नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिविल इंजीनियरिंग नॉलेज बाय राम लखन यादव में। आज आप इस वीडियो में देखेंगे 40 मीटर स्पान PSC आई गटर का स्टील प्लेसिंग। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन इसमें सभी जानकारी आपको मिलेगी। सबसे पहले इसमें PCC किया गया है 800 mm विड्थ का, यहाँ पे 800 mm विड्थ का PCC किया गया है, और इसका जो थिकनेस है 150 mm है। इस वीडियो में मैं आपको इनिशियल पोजीशन में जो मार्किंग किया जाता है स्टील प्लेसिंग करने के लिए, उसका भी डिटेल ड्राइंग के साथ बताऊंगा। उसमें उसके बाद जो ये स्लोप पोर्शन है, स्लोप पोर्शन में जो मार्किंग किया गया है, इसका सारा डिटेल आप देखेंगे ड्राइंग के साथ और साइड पे। सबसे पहले मैं आपको ड्राइंग के साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके बाद से ये जो मार्किंग किया गया है उसको दिखाऊंगा। ये 40.5 मीटर स्पान PSC आई गटर है, जिसमें ये लॉन्गिट्यूडनल एलिवेशन है, जिसका गटर का हाइट 2.6 मीटर है। इसमें 3 नंबर ऑफ इंटरमीडिएट क्रॉस गटर दिया गया है, जिसका थिकनेस 300 mm है। इसका भी मार्किंग मैं आपको साइड पे दिखाऊंगा। सबसे पहले ड्राइंग में जो दिया हुआ है उसको मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इसमें 4 नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल गटर है, 1, 2, 3, 4। इस लॉन्गिट्यूडनल गटर में 2 नंबर एंड क्रॉस गटर है दोनों एंड पे, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और अब हम इसका जो है डिटेल ए दिखा रहा हूँ आपको। डिटेल ए में आप देख सकते हैं जो इसका डायमेंशनल डिटेल ड्राइंग है, एंड फेस से सेंटर लाइन ऑफ एक्सपेंशन गैप से 750 mm है, उसके बाद से 2150 इसका स्ट्रेट पोर्शन है, उसके बाद स्लोप पोर्शन जो है 2 मीटर का। ये स्लोप पोर्शन जो मार्किंग किया गया है साइड पे, उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो इसमें जो 40.5 मीटर का ये गटर है, इसका जो बॉटम लेंथ होगा 39 मीटर 850। तो सबसे पहले हम मार्किंग करेंगे इस एंड से इस एंड तक 39 मीटर 850 का लेंथ। PCC के ऊपर में ये मार्किंग किया गया है, ये एंड फेस है, यहाँ पे एंड ब्लॉक का शटरिंग प्लेट लगेगा, और ये सेंटर लाइन ऑफ गटर है। ये सेंटर लाइन ऑफ गटर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन का है। उसके बाद से एज पर ड्राइंग के अनुसार एंड फेस से 200 पे इसका जो एंड क्रॉस गटर है उसका फेस है, और ये इसका जो थिकनेस है गटर का, क्रॉस गटर का, वो 450 mm है, जैसा कि आप देख सकते हैं 450 mm। ये जो एरिया है ये क्रॉस गटर का है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्रॉस गटर है, और इसका क्रॉस गटर का ये सेंटर है। तो ये एकदम प्रॉपर मार्किंग किया गया है। इसका डिस्टेंस मैं एक बार आपको दिखा दे रहा हूँ ड्राइंग में भी, ये प्रॉपर क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों ये ड्राइंग में दिया हुआ है, देख सकते हैं गटर का एंड फेस से क्रॉस गटर का जो फेस है 200 mm है, उसके बाद 450 mm थिकनेस है एंड क्रॉस गटर का, उसका हमने सेंटर ले लिया है, सेंटर लाइन ऑफ बियरिंग ये सेंटर आएगा। यहाँ तक हमने साइड पे मार्किंग कर दिया है। अब मैं आपको ये जो स्ट्रेट पोर्शन है और ये स्लो पोर्शन, इसका मैं मार्किंग दिखा रहा हूँ। अब दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ सेंटर लाइन ऑफ क्रॉस गटर, ये क्रॉस गटर का सेंटर लाइन है, वहाँ से और ये जो स्ट्रेट पोर्शन है एज पर ड्राइंग के अनुसार 2150, उसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये यहाँ तक ये 2150 है, उसके बाद से ये स्लो पोर्शन 2 मीटर का है, ये स्टार्ट हो रहा है। दोस्तों ये स्लो पोर्शन है 2 मीटर का, जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्लो पोर्शन एंड होगा, जिसका यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये विड्थ है 300 mm का है, और वही जब आप वहाँ देखेंगे तो वहाँ 800 मिलेगा आपको, 800 से और ये 300 तक स्लो पोर्शन वेरी कर रहा है विड्थ में। जो हमने कंक्रीट का कैलकुलेशन किया है
वो वाला वीडियो भी देखने से आपको समझ में आ जाएगा। उसमें मैंने इसका डिस्कस किया है, कंक्रीट क्वांटिटी कैसे निकालते हैं उस वीडियो में भी मैंने इसको मेंशन किया है, और यहाँ पे हाइट भी डिफरेंस होगा। तो इस तरह से ये दोस्तों ये मार्किंग किया गया है। उसके बाद से आप इसमें देख सकते हैं स्पेसिंग वाइज हर एक स्टील कहाँ कहाँ आएगा उसका भी मार्किंग कर दिया गया है इस पूरे थ्रू आउट ऑफ द गटर में। और ये दोनों साइड किया गया है, दोनों साइड में आपको दिखा दे रहा हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट होता है इस पर सबसे पहले मार्किंग करना। मार्किंग करने के बाद ये रिइंफोर्समेंट का प्लेसिंग किया जा रहा है। पहला एंड मैंने आपको दिखाया और दूसरा एंड की तरफ मैं जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं इसमें जो इंटरमीडिएट क्रॉस गर्डर है 3 नंबर, उसको भी हमने मार्किंग कर दिया है। तीनों जो इंटरमीडिएट गर्डर है उसको हमने मार्किंग किया है, पहला वो था। उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें ये एक दूसरा है इंटरमीडिएट गर्डर। उसके बाद यहाँ पे ये तीसरा इंटरमीडिएट गर्डर है। उसके बाद से दोस्तों ये सेकंड एंड हो गया। सबसे पहले इसमें जो स्लोप पर्सन आएगा, स्लोप पर्सन का मार्किंग है। उसके बाद ये स्ट्रेट पर्सन, स्ट्रेट पर्सन के बाद ये जो क्रॉस गटर आ रहा है 450 mm का, उसके बाद से 200 mm क्रॉस गटर का एंड फेस, उसके बाद से ये 450 mm विथ में ये क्रॉस गटर, ये क्रॉस गटर का सेंटर है, सेंटर लाइन ऑफ क्रॉस गटर। तो इस तरह से ये पूरा सबसे पहले मार्किंग किया जाता है। उसके बाद से जो रिइंफोर्समेंट प्लेसिंग किया जाएगा उसका मैं एक एक डिटेल आपको दिखाऊंगा विथ BBS। अब दोस्तों मैं आपको लॉन्गिट्यूडनल गर्डर का रिइंफोर्समेंट प्लेसिंग दिखा रहा हूं, जो साइड पे कंप्लीट हो चुका है। अब ड्राइंग के साथ एक एक डिटेल मैं इसका दिखाऊंगा कैसे रिइंफोर्समेंट प्लेसिंग किया गया है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ड्राइंग से। इसके रिइंफोर्समेंट शेड्यूल में दिया हुआ है बार मार्क नंबर 1 4 लेग्ड का है, 16 mm का डाया है, 120 स्पेसिंग। सेक्शन 1-1 में आप देख सकते हैं ये बार मार्क नंबर 1 है, ये एक पूरा रिंग जा रहा है, उसके बीच में एक ये दूसरा रिंग है, यानी दोनों को मिलाने से ये 4 लेग्ड हो जाएगा। अब इसको मैं आपको साइड पे दिखा रहा हूँ। ये जो रिइंफोर्समेंट प्लेसिंग किया गया है ये 16 mm का है, जिसमें आप देख सकते हैं ये एक पूरा थ्रू आउट विथ जो 700 के विथ में दिया गया है, और उसके फिर सेंटर में ये रिइंफोर्समेंट प्लेसिंग किया गया है। पहला ये और दूसरा ये दोनों मिला करके ये 4 लेग्ड हो गया। ये रिइंफोर्समेंट 16 नंबर का है, 120 का स्पेसिंग से ये कितना नंबर आएगा मैं आपको BBS में दिखा रहा हूँ। बार मार्क नंबर 1 वर्टिकल मेन बार स्टिरअप है ये, क्योंकि 2600 इसका गर्डर का हाइट है और 220 स्लैब थिकनेस, उसको जोड़ करके और 45-45 90 mm इसमें से कवर माइनस कर देंगे तो ये 2730 आएगा, और 800 mm इसका जो विथ है जिसमें से 45-45 90 mm माइनस कर देंगे तो 710 mm बचेगा। ये 16 mm का 120 का स्पेसिंग 44 नंबर आएगा, 22 पीस एक साइड और 22 पीस दूसरे साइड। उसी तरह से इसका जो सेकंड स्टिरअप है इसमें जो 4 लेग्ड में आएगा उसका विथ 210 mm है और हाइट सेम रहेगा, दोनों एक साथ आएगा, 44 पीस ये भी रहेगा, इसलिए हमने इसको 1A कर दिया है BBS में। इसलिए आप देख सकते हैं ये जो दोनों रिइंफोर्समेंट प्लेसिंग किया गया है, 22 नंबर ये है और ये 22 नंबर ये है, ये स्ट्रेट पर्सन तक जा रहा है। उसके बाद से बार मार्क नंबर 2 ये भी 4 लेग्ड है, 16 का डाया, 150 इसका सेंटर सेंटर स्पेसिंग है, ये स्लोप पर्सन में लगेगा। इसको मैं BBS में दिखा दे रहा हूँ। बार मार्क नंबर 2 वर्टिकल मेन बार इन स्लोप पर्सन स्टिरअप है ये, हाइट सेम रहेगा, इसका जो भैरी होगा विथ 210 से 710 mm के बीच ये भैरी करेगा विथ। ये टोटल 26 नंबर है, 13 पीस एक साइड और 13 पीस दूसरे साइड में आएगा,
ये दोनों रिइंफोर्समेंट, ये पहला रिइंफोर्समेंट है उसके बीच में इसको प्लेसिंग किया जाएगा। ये दोस्तों मार्किंग में दिख रहा है ये स्ट्रेट पर्सन यहाँ से ख़त्म हो जा रहा है, उसके बाद ये स्लो पर्सन स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे फोर लेग्ड जो स्टीरअप है ये दिख रहे हैं पहला है, इसके साथ ही ये इसके मिडिल में दूसरा दिया गया है। इस तरह से ये टोटल आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका जो स्पेसिंग है यहाँ से यहाँ तक 120 है जो स्ट्रेट पर्सन का था, उसके बाद से यहाँ से और ये स्पेसिंग इसका 150 mm का है, जो स्लो पर्सन में 16 mm का स्टील प्लेसिंग किया जाएगा वो 150 इसका mm स्पेसिंग है। ये जो स्लो पर्सन में स्टील ऐसे बेंड करके प्लेसिंग किया गया है ये यहाँ तक एंड हो रहा है इसका। इस तरह से ये दोनों एंड में रिइंफोर्समेंट प्लेसिंग किया गया है, ये पहला एंड है और इसके दूसरे एंड में भी सेम इसी तरह से प्लेसिंग किया गया है। उसके बाद से 12 नंबर 3 और 3 ए है, 12 का डाया है 150 स्पेसिंग दोनों है सेंटर सेंटर, जिसमें आप सेक्शन डी डी और सेक्शन सी सी में देख सकते हैं यहाँ पे 3 है और ये 3 ए है। इसका जो रिइंफोर्समेंट प्लेसिंग किया गया है ये सिर्फ इसका जो विथ होगा 210 mm का है, ये हाइट सेम रहेगा और ये यहाँ तक ऊपर तक आ रहा है। BBS में आप देख सकते हैं ये 3 और 3 ए 200 200 L और हाइट 2730 और 210 mm इसका बॉटम विथ, ये 122 नंबर आएगा और एक 78 नंबर आएगा। जो बार मार्क नंबर 3 ए है देख सकते हैं ये 16 mm का डाया है, यहाँ से ख़त्म हो करके फिर ये 12 का स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद से ये पूरा मिडिल में इसको प्लेसिंग किया गया है। टॉप में वो 200 mm इसका जो एल निकला हुआ है दोनों साइड में और इसका जो बॉटम में विथ आप देख सकते हैं ये 210 mm है। तो दोनों ये बार मार्क इसी तरह से पूरा मिडिल पार्ट में प्लेसिंग किया गया है जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। उसके बाद से बार मार्क नंबर 4 और 4A है, ये 16 का डाया है 8 नंबर और ये 12 का डाया है 2x4। ये डिस्ट्रीब्यूशन बार है, टॉप लेंथ डिस्ट्रीब्यूशन बार और ये बॉटम लेंथ डिस्ट्रीब्यूशन बार जो थ्रू आउट 40.5 मीटर के लेंथ में रहेगा और ये 400-400 दोनों साइड L है और जो 4A है उसमें 200 L रहेगा। ये टॉप फ्लेंज में आप देख सकते हैं टॉप में 12 का डाया का स्टील दिया गया है जबकि इसके बॉटम में 16 mm का स्टील दिया गया है। दोनों 8 पीस और 8 पीस ये प्लेसिंग किया गया है थ्रू आउट ऑफ द स्पान। उसके बाद से 5 और 5A ये क्रॉस बार है, जो 12 का डाया है 150 स्पेसिंग, ये दोनों इसका जो प्लेसिंग है मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले BBS में ये 5 है बॉटम क्रॉस बार, जिसमें बॉटम का जो विथ है 710, ये स्ट्रेट पर्सन यहाँ से यहाँ तक ये आएगा 183 और उसके बाद से ये स्लोप यहाँ से लेके यहाँ तक ये 589 और 100 mm का ये फिर स्ट्रेट L, तो इस तरह से ये पूरा बनेगा। लेकिन इसको जो साइड पे प्लेसिंग किया गया है उसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो दोस्तों रिइंफोर्समेंट है ये 5A और 5 है, जिसमें इसको सिर्फ स्टेट यू बार बना करके इसमें लगाया गया है। इसका रीज़न ये है कि जब ये इसमें प्रोफाइलिंग करेंगे जिस डायरेक्शन से केबल जाएगा वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस ना हो, इसीलिए इसको प्रोफाइलिंग डालने के बाद से इसको यहीं पे साइड पे ही बेंड कर दिया जाएगा, इसीलिए इसको ऐसे किया गया है। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है क्रॉस बार लगाने का। इसको पहले भी बेंड करके लगाया जा सकता है क्रॉस बार बना करके, लेकिन उसमें प्रॉब्लम होता है जब स्ट्रेसिंग जो डक्ट पाइप प्लेसिंग किया जाता है ना उस समय में प्रॉब्लम होता है। उसको अवॉइड करने के लिए सबसे पहले इसमें डक्ट पाइप का प्लेसिंग होगा, उसके बाद से एज पर
प्रोफाइल के अनुसार इसको बेंड कर दिया जाएगा। तो ये 5 और 5A है जो पूरे स्ट्रेट पोर्शन जो 2150 है उसको छोड़ करके बाकी मिडिल पोर्शन तक ये प्लेसिंग किया गया है। स्लो पोर्शन में भी ये आएगा, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख लीजिए ये स्लो पोर्शन है, वहाँ भी ये रिइंफोर्समेंट आ रहा है, सिर्फ यहाँ से जो स्ट्रेट पोर्शन स्टार्ट हो रहा है उसमें ये नहीं आएगा। तो ये क्रॉस बार हो गया 5A और 5B, ये स्लो पोर्शन में आएगा, बाकी ये मिडिल पार्ट का स्ट्रेट पोर्शन में। अब देख रहे हैं हम 6 और 6A, जो 16 का डाया है 240 का स्पेसिंग और ये 16 का डाया 150 का स्पेसिंग, दोनों का मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मिडिल में 287 और ये क्रॉस में जा रहा है स्लोप में 221, ये ऑटो कैड से निकाला गया है, इस डायमेंशन को मैंने ऑटो कैड से निकाला है और ये जो स्लोप क्रॉस बार है इसको भी मैंने ऑटो कैड से निकाला है। तो ये 6 और 6A टोटल 22 नंबर आएगा और ये 26 नंबर आएगा। दोस्तों ये 16 mm का टॉप फ्लेंज आप देख सकते हैं उसमें प्लेसिंग किया गया है। ये जो स्लोप पोर्शन जहाँ से एंड हो रहा है वहाँ तक ये 16 mm का जो स्टीरअप है टॉप फ्लेंज वो स्ट्रेट थ्रू आउट ऑफ द एंड पोर्शन तक जाएगा, जबकि यहाँ से ये 12 mm का फिर स्टीरअप स्टार्ट हो गया है टॉप फ्लेंज में, उसका मैं आपको बार मार्क दिखा रहा हूँ। बार मार्क नंबर 6 और 6A ये 16 mm का डाया है, जब 11 और 7A 12 mm का डाया है, 150 इसका स्पेसिंग है, ये 138 और ये 76 नंबर आएगा, ये मिडिल पार्ट का है। उसी तरह से ये सारे रिइंफोर्समेंट, ये डिस्ट्रीब्यूशन बार है, ये सारा एस पर साइट और BBS के अनुसार ये इसको प्लेसिंग किया गया है। इसके टॉप में ये टॉप फ्लेंज बार आप देख सकते हैं, एक टॉप में है एक बॉटम में है, ये सब रिइंफोर्समेंट प्लेसिंग किया गया है। उसके बाद से इसमें ये डिस्ट्रीब्यूशन बार है, तो इस तरह से ये पूरा रिइंफोर्समेंट हमने देखा। केबल प्रोफाइलिंग कंप्लीट हो जाएगा उस समय में मैं ये बेंड जब कंप्लीट हो जाएगा उसको दिखाऊंगा। उसके बाद से इसमें जो एंड ब्लॉक में स्टील लगता है, यहाँ पे जो स्ट्रेसिंग के लिए स्टील है उसका अलग से दिया गया है, उसको मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, अभी उसको प्लेसिंग नहीं किया गया है। उसके बाद से ये इंटरमीडिएट क्रॉस गटर है, एंड क्रॉस गटर है, ये सब का डिटेल आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। केबल प्रोफाइलिंग दोस्तों कंप्लीट हो चुका है, इसलिए आप देख सकते हैं इसमें जो क्रॉस बार है उसको भी बेंड कर दिया गया है एज पर प्रोफाइल के अनुसार। जहाँ पे केबल का ये डायरेक्शन नहीं आ रहा है कोऑर्डिनेट्स, वहाँ पे देख रहे हैं एकदम स्ट्रेट सीधा है, जबकि जहाँ जहाँ पे इसका केबल का, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे केबल का जो ये पॉइंट है स्टील के जो ये क्रॉस बार है उसके डायरेक्शन में आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे इसको बेंड कर दिया गया है। इसीलिए इस क्रॉस बार को ये प्रोफाइलिंग कंप्लीट होने के बाद से बेंड करना सबसे बेटर होता है। अब दोस्तों मैं इसका प्रोफाइलिंग का जो कोऑर्डिनेट्स है उसको दिखा रहा हूँ, जो साइड पे ये प्लेसिंग किया गया है। दोस्तों ये 40 मीटर स्पान PSC आई गडर का ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ से दोनों साइड सिमेट्रिकल है। यहाँ पे केबल कोऑर्डिनेट के लिए मार्किंग जो किया गया है X=0, ये वाई का जो वैल्यू है वाई का वैल्यू वर्टिकल जाएगा, X=, ये हॉरिजॉन्टल जाएगा और जेड का वैल्यू यहाँ से इस तरफ या उस तरफ होगा, सेंटर लाइन से इस तरफ होगा। ड्राइंग में दिया हुआ है ये जो तीनों बॉटम केबल है, केबल नंबर 1, 2, 3, इसका X=0 पे जो वाई का वैल्यू है केबल का सेंटर पॉइंट 125 mm है, और इससे हम इसको, क्योंकि इसका डाया सीथिंग पाइप का 90 mm है, तो 45 mm माइनस करेंगे त
तो हमारे पास ये डिस्टेंस आ रहा है, यहाँ पे हमने एक स्टील लगा दिया है कि ये तीनों केबल रेस्ट हो। उसके बाद केबल नंबर 4 के लिए यहाँ पे एज पर ड्राइंग के अनुसार देख सकते हैं ये यू बना करके लगाया गया है, और केबल नंबर 3 का एक्स इक्वल टू 0 पे वाई का जो वैल्यू है केबल का सेंटर से 325 है, वहाँ से 45 में माइनस करने के बाद ये जो हम पॉइंट प्लेसिंग करवाया हूँ वहाँ पे ये है। उसी तरह से केबल नंबर 5 का एक्स इक्वल टू 0 पे जो वाई का वैल्यू है, वाई का वैल्यू वर्टिकल ये 525 है। तो एक्स इक्वल टू 0 पे वाई का वैल्यू और उसके बाद से जेड का वैल्यू हमेशा केबल नंबर 1 और 2 में ही रहेगा, क्योंकि ये प्लान से देखने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये सेंटर है, तो सेंटर में एक्स इक्वल टू 0, वाई का वैल्यू यहाँ से वर्टिकल डिस्टेंस 80 mm आ रहा है इसका जो केबल का बॉटम। उसके बाद यहाँ से सेंटर लाइन से अगर केबल नंबर ये इधर आ रहा है 1, तो ये 200 mm पॉजिटिव, और यहाँ से केबल नंबर 2 वो नेगेटिव। सेंटर टू सेंटर ऑफ केबल ये दोनों का डिस्टेंस 200 mm है। ये जैसा कि आप साइड पे देख सकते हैं केबल का जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 200 mm है, उसका जो केबल नंबर 3 से और केबल नंबर 2 का भी डिस्टेंस जो जेड एक्सिस का है 200 mm है, इसका जो वर्टिकल डिस्टेंस है 80 mm आएगा। इसी तरह से दोस्तों ये पूरा मार्किंग किया गया है, पूरे गटर का जो स्पान है वहाँ पे सेंटर से दोनों साइड में सिमेट्रिकल। अब मैं आपको इसका जो एंड पोर्शन में जो केबल का स्ट्रेसिंग एंड ब्लॉक लगाया गया है उसको मैं दिखा दे रहा हूँ एक बार। यहाँ पे जो एंड ब्लॉक के साथ पूरा प्लेसिंग कर दिया गया है। इसमें मैं एक चीज़ और आपको दिखाना चाहता हूं, जो ये स्ट्रेसिंग एट एंड ब्लॉक का जो BBS है, जो ये रिइंफोर्समेंट प्लेसिंग किया गया है, इसका अलग से रिइंफोर्समेंट शेड्यूल दिया हुआ है। इसमें सबसे पहले मैं आपको साइड पे इसको दिखा दे रहा हूं, उसके बाद से ये 20 mm का स्टील है देख सकते हैं, उसके बाद से इसमें ये मेश 3 लेयर में लगाया गया है, 1, 2, 3 एज पर ड्राॅइंग के अनुसार। बॉटम में भी ये 3 लेयर का है, एक में डबल लेयर है, ये आप देख सकते हैं ये कि ये पूरा वर्टिकल, उसके बाद से ये हॉरिजॉन्टल, उसके बाद से इसमें जो स्पायरल रिंग है इसका जो नंबर ऑफ टर्न है 9+2 11 नंबर ऑफ टर्न है इसमें। उसके बाद से इसमें जो ये स्लिप इंसर्ट किया गया है उसके बॉटम में भी डबल लेयर का मेस प्लेसिंग किया गया है। उसके बाद ये जो एंकर कोन है, एंकर कोन के टॉप और बॉटम में दोनों साइड ये 16 mm का एक 1 मीटर का ये लेंथ में, और यू इसका 250 है, ये रिइंफोर्समेंट प्लेसिंग किया गया है ताकि जब यहाँ पे स्ट्रेसिंग किया जाएगा तो ये स्पायरल रिंग और जो एक्स्ट्रा रिइंफोर्समेंट ये प्लेसिंग किया गया है। सबसे ज़्यादा शियर फोर्स एंड पोर्शन में ही लगता है, इसीलिए दोस्तों इतना रिइंफोर्समेंट ये प्लेसिंग किया गया है, ये एक्स्ट्रा रिइंफोर्समेंट है, दोनों एंड में प्लेसिंग किया गया है, जबकि आप देख सकते हैं मिडिल में इसके अपेक्षा कम रिइंफोर्समेंट है। तो दोस्तों लॉन्गिट्यूडनल गर्डर का जो रिइंफोर्समेंट प्लेसिंग करने के बाद इसमें शटरिंग प्लेसिंग किया गया है थ्रू आउट, उसका मैं आपको शटरिंग अरेंजमेंट दिखा रहा हूँ। इसमें सबसे पहले जो बॉटम में शटरिंग प्लेट लगा है जो PCC किया गया है उसी से इसको अटैच करके शटरिंग प्लेट लगाया गया है। इसका जो शटरिंग प्लेट का साइज है यहाँ से और ये 250 बाई ये 320 है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 500 है। उसके बाद ये 1 मीटर का शटरिंग प्लेट, स्टैंडर्ड शटरिंग प्लेट लगाया गया है,
उसके बाद से आप टॉप हंच में देख सकते हैं, ये जो स्टेट पर्सन है 425 का है, 255 इसका स्लोप और फिर 150 mm इसका टॉप में स्टेट पर्सन हाइट है। ये गटर का बॉटम से लेकर के ये टॉप तक जो शटरिंग का हाइट हो गया 2.6 मीटर। ये दोस्तों मिडिल पार्ट का है, जबकि मैं आपको अभी स्लोप जो शटरिंग प्लेट है उसको दिखा रहा हूँ। देखिए ये स्लोप पर्सन स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, शटरिंग प्लेट यहाँ से ये स्लोप होते होते आप देख सकते हैं इसमें यहाँ तक एकदम 2 मीटर पे आकर के ये जीरो हो गया है पूरा स्टेट। यहाँ से फिर ये स्टेट पार्ट है। ये स्लो पार्ट हो गया। अब इसके साथ में ये डबल चैनल को ज्वाइंट करके सोल्जर बनाया गया है, ISMC 100 है, दोनों को ज्वाइंट करके ये सोल्जर बनाया गया है जिसका लेंथ 1750 है और दो टायर और एक टॉप में और एक बॉटम में लगा करके प्रत्येक सोल्जर में दो टाई एक एक मीटर के डिस्टेंस पे लगाया गया है। उसके बाद से दोस्तों इसमें टॉप में टर्न बकल है, ये 2.5 मीटर का टर्न बकल दूसरे गटर से सपोर्ट दे करके लगाया गया है एक एक मीटर के डिस्टेंस पे। पूरे जो गटर का लेंथ 40.5 मीटर है, आप देख सकते हैं जो शटरिंग का अरेंजमेंट है प्रॉपर तरीके से किया गया है। अब मैं आपको इसमें जो इंटरमीडिएट क्रॉस गटर है उसको दिखा रहा हूँ। ये इंटरमीडिएट गटर का आप शटरिंग प्लेट देख सकते हैं, शटरिंग प्लेट में होल कर दिया गया है जहाँ जहाँ पे स्पेसिंग के अनुसार जो स्टील बाहर निकल रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं एज पर ड्राइंग के अनुसार जो इंटरमीडिएट गटर है उसको स्टील प्लेसिंग किया गया है 3 नंबर ऑफ स्टील। उसके बाद सेकेंड लेयर में भी 3 नंबर है 25 का, उसके बाद थर्ड लेयर में दो दो है दोनों एंड पे, उसके बाद से ये 12 का स्टील है। इसी तरह से तीनों इंटरमीडिएट गटर में इसका रिइंफोर्समेंट प्लेसिंग किया गया है। अब मैं आपको एंड क्रॉस गटर का दिखा रहा हूँ जो रिइंफोर्समेंट प्लेसिंग किया गया है। एंड क्रॉस गटर में सेम इसी तरह से आप देख सकते हैं शटरिंग प्लेट में होल करके स्पेसिंग के अनुसार ये पूरा रिइंफोर्समेंट इसके बाहर निकला है और इस तरह से ये पूरा कंप्लीट रेडी है कास्टिंग करने के लिए। गर्डर के टॉप में टाई एंगल से दोनों शटरिंग प्लेट दोनों साइड का कनेक्ट किया गया है, मैं आपको दिखा रहा हूँ टॉप व्यू से। आरओबी है रेलवे ओवर ब्रिज, उसके नीचे से देख सकते हैं ट्रेन जा रहा है। यहाँ पे जो टाई एंगल दिया गया है दोस्तों, देखिए दोनों शटरिंग प्लेट को टाई करने के लिए 50-50-6 का टाई एंगल दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस शटरिंग का जो अरेंजमेंट किया गया है उसमें इस तरह से पूरा कंप्लीट प्रोसेस मैंने दिखाया है। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।